नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। नक्सलियों पर नकेल के लिए पिछले दिनों रांची पुलिस मुख्यालय में दो दिनों की बैठक हुई, जिसमें कई रणनीतियां बनाई गई। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार रांची में चार राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के डीजीपी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए विस्तृत चर्चा होगी। आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार ने सीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल की है। 15 आईएएस को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 9 अधिकारियों का तबादला किया गया है, जबकि 6 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 10 विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को बदला गया है। 2 प्रमंडलों में नए कमिश्नर की तैनाती की गई है। वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश को कृषि विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। ईएलएसएन बाला प्रसाद को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले 39 बड़े पदाधिकारियों का भी तबादला किया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में मद्य निषेध अभियान की शुरुआत की है। सीएम ने पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम के जरिए मद्य निषेध अभियान का आगाज किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू होगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को सामाजिक आंदोलन में तब्दील करने की बात कही। इस मौके पर नीतीश कुमार ने पुलिस को भी सख्त हिदायत दी है। शराबबंदी को नीतीश कुमार सामाजिक आंदोलन की दिशा देने की तैयारी में हैं, जिसके लिए वो एक बेहतर सूचना तंत्र को भी स्थापित करना चाहते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने इस अभियान में मीडिया से मदद की अपील की है। बहुत लोग कहते हैं पूर्ण शराबबंदी नहीं हुआ, पता नहीं क्या मतलब है। हमारा तो जो पूरा का पूरा निर्णय है वह है पूर्ण शराबबंदी का, पूर्ण मद्य निषेध का। हम बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे, लेकिन चरणबद्ध ढंग से शुरुआत कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि खाली छपने के लिए और बोलने के लिए सब बात बोल दीजिए और लागू कर नहीं पाइए, औंधे मुंह गिर जाइए और गिरी हो। और इसलिए एक एक चीज के बारे में निर्णय लिया गया है क्या होना है। हमारे यहाँ छुआ से स्पिरिट बनता है जो देसी शराब में इस्तेमाल होता है। हमारी चीनी मिलों में कई डिस्टिलरी लगे हुए हैं, उनको कहा गया कि अब आप स्पिरिट नहीं बनाएंगे, अब आप एथेनॉल बनाइए, ताकि उस एथेनॉल को यहाँ पेट्रोल डीजल में मिलाया जा सके। अब ये लोकतंत्र है, सारे हमारे अधिकारी भी सुन लें, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। लोगों की अवधारणा क्या है, परसेप्शन क्या है, वो बहुत मायने रखता है। इसलिए हमारे सभी पुलिस अधिकारी जान लें कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अब गड़बड़ मत होने दीजिएगा। सब मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बात को समझिए, कोई मेरा अकेला का नहीं भाई। हमने तो वही किया है जो जन आकांक्षा है, जिसको हम सही मानते हैं, तो हमने किया। अब सबका सहयोग चाहिए। अगर मान लीजिए कि जो मीन मेथ निकालने वाले लोग हैं उनको अगर आप तवज्जो दीजिएगा, मतलब साफ तय कर लीजिए शराबबंदी चाहते हैं या नहीं चाहते, मीन मेथ मत निकालिए, मदद करिए और देखिए कि एक चरण में ये लागू हो रहा है, अगले चरण में वो भी लागू। पटना समेत प्रदेश भर में मद्य निषेध अभियान की शुरुआत हो गई है। आरा के संस्कृति भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को शराब छोड़ने की शपथ दिलाई गई। वहीं छपरा में भी जिला प्रशासन ने अभियान की शुरुआत की। गीतों के जरिए लोगों से शराब छोड़ने की अपील की गई। आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल से सूबे में शराबबंदी लागू करने की घोषणा की है। Tell her.
बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं सूबे के उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह को अभी भी हालात सही लग रहे हैं। जयकुमार सिंह ने मीडिया पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने मीडिया से सूबे के माहौल को बेहतर बनाने की अपील की है। हम आग्रह भी करना चाहेंगे मीडिया के साथियों से भी कि आप जो हमने एक छवि जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो छवि बनी है, हम इस छवि में सरकार की मंशा को जरा देखें। सरकार किसी भी ऐसे क्रिमिनल्स को या क्राइम करने वाले लोगों को न तो विधायक के स्तर पर, न मंत्री के स्तर पर, न मुख्यमंत्री के स्तर पर, न हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, कभी भी उनको बढ़ावा देने में कोई रोल नहीं है। हम कंट्रोल करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और क्राइम हमारे यहाँ ऐसा कभी बना भी नहीं है। आज भी माहौल स्वस्थ माहौल है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के वाराणसी से प्रीमियम ट्रेन शुरू करने के मामले पर तंज कसा है। लालू ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी वाराणसी को क्योटो बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम बनारस में लालटेन लेकर जाकर मोदी की हकीकत का पर्दाफाश करेंगे। सब कुछ प्रीमियम ट्रेन है, बहुत सारे नए मॉडर्न टाइप हम जाने वाले न हैं लालटेन लेकर के। इस महीना के बाद जाएंगे ना हम सब। पहले क्योटो जो बना रहे थे वो कहाँ है पहले, और जो गांव को क्योटो सिटी जापान वाला, हम तो गए हुए हैं ना वहाँ। ये सब अब तो ये खत्म हो गया इनका काम। कहाँ कौन सा काम कर रहा है भाई, हाई फाई ट्रेन चला रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बन रहे 6 लेन पुल के शिलान्यास के लिए निमंत्रण दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी थे। तेजस्वी के मुताबिक पुल बनाने की शुरुआत 1 फरवरी से की जाएगी। वहीं लालू यादव ने मजाकिया लहजे में कहा है कि वो ठंड में नीतीश के यहाँ नाश्ता करने गए थे। ये मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए थे, जो 6 लेन का जो कच्ची दरगाह से जो बिदुपुर तक का जो बनना है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज जो होने वाला है अपने देश में भी, तो इसके लिए हम लोग कार्य आरंभ शुरू करने के लिए हम लोग न्योता लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। उनको इसका आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है, तो मुख्य अतिथि के तौर पर उनको हम लोग बुलाने गए थे। और 7 तारीख को एग्जीबिशन रोड में आपको पता है जो फ्लाईओवर बना है उसका उद्घाटन है, इसके संबंध में हम लोग गए थे मुलाकात करने। तो ये सारी चीज़ें हैं, न्योता वगैरह उद्घाटन वगैरह 7 तारीख को एग्जीबिशन रोड का जो फ्लाईओवर बन गया उसके लिए होगा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार लपेटो ना, वहाँ अच्छा नाश्ता मिलता है, ठंडा था, हमको चलो वहाँ पर कुछ पुआ हुआ खाएंगे, या हम साथ खा लिया हम भी। बिहार सरकार ने गन्ना की कीमत में 5 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब साधारण वैरायटी के गन्ने की कीमत 245 रुपये की जगह 250 रुपये हो गई, जबकि उच्च क्वालिटी गन्ने की कीमत 270 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। गन्ना मंत्री के मुताबिक रीगा चीनी मिल पर 29 करोड़ रुपये और सासामूसा चीनी मिल पर 8 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, जिसका पेमेंट फरवरी महीने में हो जाएगा। साथ ही बंद हुए चीनी मिल के कर्मचारियों का बकाया करीब 2.25 करोड़ रुपए का पेमेंट भी जल्द कराया जाएगा। गन्ना किसानों को अभी फायदा ये हुआ, जब रिकवरी हुआ चीनी के दाम बढ़े, तो उसके लिए 5 रुपया इस साल जो वर्ष 14-15 में जो किसानों को जो दर दिया जाता था 245, 255, 265, आज वो सारे प्रभेदों में जो है 5 रुपया प्रति क्विंटल का जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। 2010 में तीसरी बार सीएम बनने पर नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों और विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की शुरुआत की थी, जिसकी हर तरफ सराहना भी हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार में इसकी सुगबुगाहट तक महसूस नहीं की जा रही है। बिहार विधानसभा की वेबसाइट को जरा गौर से देखिए। बीते 4 सालों से विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि सरकार के अपने तर्क हैं। ये परंपरा निरंतर चालू रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से चूंकि चुनाव हुआ है
तो इस बार तो चुनाव आयोग के सभी लोग अपनी अपनी ब्यौरा दे चुके हैं, अगली बार ये चालू रहेगी और हम लोग कहेंगे भी स्पीकर साहब के शायद ध्यान में ही बात नहीं गई होगी। वेबसाइट पर डिटेल्स का सार्वजनिक न होना विपक्ष को मानो बैठे बिठाए नया मुद्दा दे चुका है। जो उनकी इच्छा, और आजकल तो लालू जी के दबाव में चलते हैं, तो चारा घोटाला से जो पैसा कमाया गया है, अब उनके पुत्रों के नाम पर, उनके नाम पर कितना है, तो अब तो नीतीश कुमार इस समय तो बेचारे न हैं, अब तो पहले वाले नीतीश कुमार रहे नहीं, तो बहुत तरह का दबाव है, बाहरी भीतरी, अब दबाव में काम करना है। भले ही विपक्ष इस मुद्दे को हवा देने में जुटा हो, लेकिन नीतीश सरकार के नुमाइंदे सधी हुई बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। हर साल तो जो नॉमिनेशन करता है, चुनाव में जाता है, तो हर साल देता है। अभी जो है प्रक्रिया शुरू है, माननीय नीतीश कुमार का जो है कुछ तो वेबसाइट पर देखने को मिला है। मंत्रियों का है लेकिन विधायकों का नहीं है। नहीं होगा प्रक्रिया, जब अभी तो सत्र चला है भाई। बहरहाल देखना ये है कि नीतीश कुमार ने पहली पारी में संपत्ति के डिटेल्स को सार्वजनिक करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो इस बार कायम रहता है या नहीं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। कपड़ों पर टैक्स लगाने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ कपड़ा कारोबारी खुलकर सामने आ गए हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ कारोबारियों ने पूरे राज्य में 2 दिनों के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। आज बंद का दूसरा दिन है। कारोबारियों ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। नई वैट नीति के विरोध पर बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रदर्शनकारी कारोबारियों से विकल्प बताने को कहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की ओर से फंडिंग नीति में बदलाव किए जाने से बिहार को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भागलपुर दौरे पर आए वित्त मंत्री ने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बातचीत की जाएगी। लोगों की एक मीटिंग भी होनी है 2 फरवरी को चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ। तो अब अगर हमारे पास राशि नहीं आएगी तो हम सड़क नहीं बना पाएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं चला पाएंगे, हम अपने कर्मियों को वेतन नहीं दे पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंडिंग पैटर्न बदला है, इसके वजह से हमको लगभग 30,000 करोड़ रुपया का नुकसान होगा। रुकते दूसरी खबरों की ओर। झारखंड सरकार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। खूंटी के मुरहू कुंजला पंचायत में आयोजित किसान सम्मेलन में सूबे के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के बाद झारखंड ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार के विकास कार्यों की भी जानकारी दी। विकास की योजनाएं अब प्रखंडों में, जिलों में नहीं बनेगी। विकास की योजनाएं गांव में हमारे किसान, गांव में हमारे रहने वाले ग्रामवासी चयनित करेंगे, वो देंगे। उसी योजनाएं पर रघुवर सरकार आने वाले 4 साल में काम करेगी। और इस बार जो बजट बनेगी वो गांव गरीब किसानों के लिए बजट बनेगी। पहली बार इस राज्य में, देश में, कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य झारखंड है जहां कृषि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अलग बजट लाने जा रहे हैं। झारखंड के स्कूलों में किस तरह की धांधली चल रही है, इसका खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग के सचिव ने पाकुड़ के लिटीपाड़ा ब्लॉक का दौरा किया। योजना बनाओ अभियान के तहत शिक्षा सचिव आराधना पटनायक जामतेड़ी अपग्रेड मिडिल स्कूल में पहुंची, जहां प्रधान शिक्षक अनिल हंसदा 2 दिनों से गायब थे। पूछताछ में पता चला कि वो बीएलओ के काम से बाहर गए हुए हैं। इतना सुनते ही शिक्षा सचिव भड़क गई और कहा कि बीएलओ के काम से शिक्षकों को कब का हटाया जा चुका है। उन्होंने प्रधान शिक्षक की हाजिरी काटते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। शिक्षा सचिव ने जांच में पाया कि नई किताब की जगह बच्चों को पुरानी किताब दी गई है। इस बात को लेकर भी उन्होंने पदाधिकारियों को फटकार लगाई। नया किताब बांटे तो ठीक है ना, 10 कॉपी के लिए है। कहाँ है 15-16 का मुझे दिखाइए। दे दिए थे ना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में दिव्यांगों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वो करीब 10,000 दिव्यांगों को 8 करोड़ के उपकरण भी बांटेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोदी के कार्यक्रम स्थल पर 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें एनएसजी, एसपीजी, एटीएस, सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। इसके अलावा 18 एसपी, 19 एएसपी और 39 सीओ और 3,000 पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। प्रधानमंत्री वाराणसी में आधुनिक महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन वाराणसी से दिल्ली वाया लखनऊ होते हुए जाएगी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के लिए रवाना होंगे उसके बाद, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये लखनऊ का उनका पहला दौरा है। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यहां छात्रों को मेडल देकर सम्मानित करेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री छात्रों से भी रूबरू होंगे। इस मौके पर वो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन मूलचंद्र शर्मा, एसके थोराट को सम्मानित भी करेंगे। पीएम मोदी सीडीआरआई के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वीपी कंबोज को विज्ञान रत्न से सम्मानित करेंगे। फिर कालवन कॉलेज में ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम को अंबेडकर महासभा में अंबेडकर कलश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि देंगे। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गरीबों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की पोल एक बार फिर खुल गई है। पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, लेकिन वैशाली जिले में भूख से महिला की मौत ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना जिले के लालगंज के समसपुर मुशहर टोली की है, जहां की चैती देवी की जान अनाज के अभाव में चली गई। चैती अपने 3 बच्चों के साथ पिछले 3 सालों से भारी गरीबी में जी रही थी। बावजूद इसके न तो उसका बीपीएल में नाम था और न ही उसे किसी तरह की कभी कोई सरकारी सहायता राशि ही मिली थी, और आखिरकार उसकी जान इस सड़ी गली व्यवस्था ने ले ली। ग्रामीणों के मुताबिक उसकी मौत तो 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन पैसे के अभाव में उसका शव 2 दिनों तक घर में ही पड़ा रहा। पूरे मामले की सूचना पाकर कबीर अंत्येष्टि योजना के 3,000 रुपयों के साथ प्रशासनिक अमले को ग्रामीणों ने बैरंग वापस लौटा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर करने गए मीडिया कर्मियों पर कुछ लोगों ने इस बात के लिए भी दबाव डाला कि भूख से मौत की खबर न बताई जाए, लेकिन बाद में खुद को फंसते देख ऐसे लोग भाग खड़े हुए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की आरजू मिन्नतों के बाद गांव वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। इधर प्रशासन इसे अब भी भूख से मौत मानने को तैयार नहीं है। उनकी माने तो चैती की मौत ठंड की वजह से हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस महिला का पति मानसिक रूप से बीमार हो और पिछले 2 सालों से लापता है, उसका नाम बीपीएल में क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये तो उसकी जीवटता थी कि अपने दम पर अपने 3 बच्चों को पाल रही थी, लेकिन कब तक? ऐसी व्यवस्था में तो यही होना था, और आखिरकार चैती की जिंदगी हार गई और अनाथ हो गए 3 बच्चे। 3-4 महीना से गिरल है। खाना कई दिन से नहीं खा रही थी? 10-12 दिन से छोड़ रहे हैं सफाई। खाना था भी नहीं उसके पास? ना कुछ हो, ना कोई रहे ना से दिए। अगर दुगो बच्चा से दुगो इन्होंने घूम लगता ईसा हम सब दिली इतना खिया दिली। अगर देखने से हम उस अथी भेल है अगर घर में रहे ना तो लोग गए लग तो देखे रहता परसों जैसे मरल। लेकिन हम लोग आए थे उस समय बोल रहे थे कि ठंडक थे मृत्यु हो गई। सुबह से लगभग 3-4 बजे भोर से लाश पड़ा हुआ है। आप लोग काफ़ी रात तक में आए हैं, दिन में भी नहीं आ पाए, क्या कुछ कोई परेशानी थी क्या आप लोग को? हम लोग को जानकारी मिली तो उसके बाद तुरंत चले आए। जानकारी मिली आप लोग को? लगभग 5-6-7 बजे के लगभग शाम में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात
पटना सिटी की करते हैं। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में एक महिला डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पटना के एसएसपी के मुताबिक पूरा मामला रंगदारी से नहीं बल्कि भ्रूण जांच से जुड़ा है। दरअसल रंजीत नाम का एक शख्स एक महिला की भ्रूण जांच करवाने डॉक्टर के पास पहुंचा था। इस दौरान डॉक्टर ने रंजीत से 1500 रुपए की मांग की और फिर उसे अपने पति के जांच केंद्र पर भेज दिया, जहां रंजीत ने इस अवैध धंधे का स्टिंग कर लिया और उसी के आधार पर महिला डॉक्टर को धमकाने लगा। इस पूरे मामले से बचने के लिए महिला डॉक्टर ने रंजीत पर रंगदारी मांगने का आरोप मढ़ दिया और आलमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। पटना के एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि बच्चे के भ्रूण जांच के लिए डॉक्टर 3000 रुपया लेते हैं।